सुल्तान वफा गाजी मौला जा। वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज भी सफर है चेलम में हुसैन अलैहिस्सलाम का। अब हम सुबह उठे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं हरम। हश बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया से जारी न हुआ है, जो मशी करके पहुंच रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है वीडियोस बनाने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ सीन दिखाऊँगा। हम होटल से निकल चुके हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ रश की क्या पोजीशन है। सामने पहुँच चुके हैं हम। मैं आपको दिखाता हूँ सामने बैठो सर। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम है। ये सामने मौलाना अब्बास है। सुल्तान वफा गाजी मौला जागीर तुम्हारी करबो बला। सुल्तान वफा गाजी मौला जागीर तुम्हारी करबो बला। जागीर तुम्हारी करबो बला रोजे पे बुलाना। ये बैनुल हरमैन है, परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है। ये सारे आजादारों पे जहरा की अता है। इस परचम अब्बास को जैनब की दुआ है। कौन इसको झुकाएगा भला, किस में है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद और सरदार का परचम। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम। ऊंचा है मेरे सैयद और सरदार का परचम। आता है अलम किसका उभरता है। यजीदी फौज में हलचल दिलों पे खौफ छाया है। यजीदी फौज में हलचल दिलों पे खौफ छाया है। ये लगता है कि जैसे है दर करा रहता है, अलम पर आ रहा है। या देख सकते हैं तलाशी देनी है, तफ्तीश होती है यहाँ, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हरम में अंदर आपको सही मिल जाएगा। बोला अब्बास अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक है। हमने तलाशी देनी है, तलाशी देने के बाद आपको मौला के हरम के सीन दिखाएंगे। बोला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के ये दाखिल होने के मनाज़िर है। नमाज की तैयारी हो रही है, नमाज
अंदर पहुंच के कोशिश करूंगा कि आप उसी दिखाऊं। ये आप सामने देख सकते हैं ज़्यादा होता है, मुझे काम पे रहती है, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा।